हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, सावन के महीने में धारण करें रुद्राक्ष, दूर होंगे आपके सभी कष्ट और बनेंगे सभी काम। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष का संबंध अपने नाम के अनुरूप रुद्र अर्थात भगवान शिव से होता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि रुद्राक्ष को कई तरह से रोग और ग्रह दोष दूर होने में भी प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष को रुद्र मतलब भगवान शिव का आश्रु माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव कई वर्षों से कठोर तपस्या में लीन थे। जब किसी कारण जब उन्हें अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माना जाता है कि इन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, इसी वजह से यह पवित्र और पूजनीय है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में रुद्राक्ष का विशेष स्थान है। मान्यता है कि रुद्राक्ष के धारण करने से न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि रुद्राक्ष को कई तरह के रोग और ग्रह दोष दूर करने में भी प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, सावन का महीना रुद्राक्ष धारण करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने के कुछ खास नियम है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये नियम कौन से है। तो दोस्तों, रुद्राक्ष को हाथ में, गले में या फिर हृदय पर धारण करना चाहिए। इसे गले में माला के रूप में पहनना सर्वोत्तम माना गया है। तो दोस्तों, हाथ की कलाई पर 12, गले में 36 और हृदय पर 108 रुद्राक्ष के दानों को पहनना चाहिए। तो दोस्तों, यदि रुद्राक्ष को केवल एक दाना धारण कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसे हृदय तक पहुंचना चाहिए और इसे लाल धागे में पहने। तो दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव का वरदान माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने से पहले इसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन और आचरण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मांस मदिर का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे उचित समय सावन का महीना या शिवरात्रि की स्थिति है। तो दोस्तों, इसके अलावा इसे सोमवार या प्रदोष के दिन भी धारण किया जा सकता है। दोस्तों, रुद्राक्ष अपने स्वरूप के आधार पर कई तरह के होते हैं। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी या फिर बहुमुखी रुद्राक्ष। तो दोस्तों, अपने स्वरूप के अनुरूप इनका गुण और प्रभाव भी होता है, इसलिए अपनी जरूरत के अनुरूप किसी ज्योतिष के पूछ कर भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके सभी काम बन सकते हैं। यदि आपके नौकरी में प्रॉब्लम है, यदि आपके व्यापार में प्रॉब्लम है, तो ये आपकी सभी संबंधित परेशानियाँ एक चुटकी में खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, अच्छा योग है, सावन का महीना आ रहा है। तो दोस्तों, इस महीने में आप रुद्राक्ष अवश्य धारण कीजिएगा। दोस्तों, आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपको जो मन चाहे चाहिए वो आपको सभी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि रुद्राक्ष पहनने से आपके सभी काम बन सकते हैं, और ये सभी काम बनने के बाद आपको रुद्राक्ष के कुछ खास नियम अवश्य बरतने चाहिए। दोस्तों, ये आप करते हैं तो आपके जीवन में सुखमय जीवन बन जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने से साक्षात भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वो मन चाहे वरदान आपको दे देते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छा योग है कि सावन का महीना आ रहा है, तो आप सावन के महीने में रुद्राक्ष अवश्य पहन सकते हैं और आपके सभी कठिन काम आसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।